नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण ठाकुर आपके पाठ्यक्रम कोड 507 की छठी इकाई से शिक्षा तंत्र में शिक्षक की भूमिका विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। शिक्षार्थियों, शिक्षा तंत्र में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं। हम सभी शिक्षक हैं तो हम सब का अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है, प्रत्येक समाज का दृष्टिकोण होता है। परंतु यह जानने की हम चेष्टा अवश्य करें कि जो कुछ प्रामाणिक संस्थाएं हैं, देश की सांविधिक संस्थाएं हैं, उन्होंने क्या कहा है शिक्षक के बारे में। हम आए दिन अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिक्षकों की गौरव गाथा सुनते रहे हैं। अति प्राचीन समय से गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः की बात हम कहते सुनते आए हैं। हम शिक्षा आयोग की प्रस्तावना में उद्धृत एक वाक्य पर गौर करें तो शिक्षा आयोग ने अपनी प्रस्तावना में यह लिखा कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, अर्थात भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। और भारत का भविष्य अगर उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है तो कक्षा में निर्मित करने वाले कौन लोग हैं? हम शिक्षक हैं जो कि भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं अपने विद्यालयों की कक्षाओं में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी इसी भावना को प्रतिध्वनित किया इस वाक्य से कि द स्टेटस ऑफ द टीचर रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल इथॉस ऑफ द सोसाइटी। It is said that no people can rise above the level of its teachers. यानी कि किसी भी समाज में अध्यापकों का जो स्तर होता है, जो स्थान दिया जाता है, उससे उस समाज की सामाजिक सांस्कृतिक परिपाटी का, उसके स्तर का पता चलता है। और यह कहा गया है कि किसी भी समाज में व्यक्तियों का जो स्तर होता है वो उसके शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता, अर्थात कि समाज में शिक्षकों का जो स्थान है वो सर्वोपरि माना गया है। अब यह तो हुई वे बातें जो कि किताबों में, अलग अलग रिपोर्ट्स में वर्णित हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि काफ़ी चिंतनीय विषय बनता जा रहा है शिक्षकों का स्थान, शिक्षकों की भूमिका। ऐसा क्या है कि हमारे विद्यालयी तंत्र में, शिक्षा के तंत्र में, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में शिक्षकों के स्थान पर, शिक्षकों के स्तर पर, उनकी भूमिका पर विचार करने की आवश्यकता हो रही है? हम थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले एक बात तो निस्संदेह कही जा सकती है कि किसी भी विद्यालय तंत्र का या शिक्षा के तंत्र का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, जो अवयव है, वह है उसके शिक्षकों का अकादमिक स्तर, उसके शिक्षकों का वृत्तिक स्तर, प्रोफेशनल लेवल, एकेडमिक लेवल जो टीचर्स का होता है वो उस विद्यालय तंत्र के लेवल को बढ़ाता, घटाता या अर्थहीन बना सकता है। अगर शिक्षकों का स्तर अत्यंत उच्च कोटि का है तो निश्चित रूप से विद्यालय तंत्र अपने उद्देश्यों में सफल होता है। वहीं अगर शिक्षकों की भूमिका ऐसी रहती है कि शिक्षक उदासीन होते हैं, अपना संपूर्ण योगदान विद्यालयी प्रक्रिया में नहीं कर पाते हैं, तो विद्यालयों का स्तर निरंतर घटता चला जाता है। तो हम यह बात तो निस्संदेह कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि शिक्षकों की भूमिका शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में केंद्रीय होती है। और शिक्षक अपने अकादमिक व अपने प्रोफेशनल लेवल पर जितना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उतना ही विद्यालयों का स्तर भी आगे बढ़ेगा। जो बदलाव हाल के दिनों में आए हैं, पिछले कुछ दशकों में आए हैं, उसमें शिक्षकों की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन तो हुआ है। पहले जहां विद्यालयों में जाते थे तो कहा जाता है कि अभिभावक, गार्जियन, खुद बच्चों के माता पिता शिक्षकों से कहते थे कि हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ी आपकी, यानी कि बच्चों की चमड़ी भी बेशक उधेड़ दें पर अनुशासित करिए,
और इसे पढ़ाइए, पर वो पढ़ाना कहीं ना कहीं रटाने वाली बात कही जाती थी, जो हाल के दिनों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो बदलाव आए और उसके आधार पर रचनावादी उपागम, ज्ञान के निर्माणवादी उपागम के आधार पर शिक्षण की प्रक्रिया को संवारा गया, नए सिरे से नई वकालत की गई कि नहीं, पिछली जो पद्धतियाँ थी वे पद्धतियाँ थोड़ी प्राचीन हो गई है, कुछ नए तरीके से विद्यालयों का जो उनकी शिक्षा प्रणाली है उसको चलाई जाए, तो उसमें शिक्षकों की भूमिका भी थोड़ी बदली है। निसंदेह शिक्षक सदैव महत्वपूर्ण रहे हैं, पर यह समझना आवश्यक है कि शिक्षकों की भूमिका में क्या क्या बदलाव आए हैं और अब उनकी भूमिका किस प्रकार की हुई। आपने पिछले कुछ अपने अध्ययन में यह जाना होगा कि ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान का सृजन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, ज़्यादा मायने रखता है बनिस्पत की सूचनाओं को रटकर परीक्षा में उसे पुनः उसी रूप में प्रकट कर देना। तो जब शिक्षा की प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का सृजन करना है और बालक ज्ञान के सृजन करता है, ज्ञान के निर्माता हैं, तो शिक्षक भी ज्ञान के निर्माता ही होते हैं, वे ज्ञान के सह निर्माता होते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों ने ज्ञान पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया हो, अर्जित कर लिया हो और अब वो बच्चों को सिर्फ बता भर रहे हैं, बल्कि ज्ञान का निर्माण तो नित प्रतिदिन होते रहता है। और ऐसे में जब ज्ञान का सृजन प्रत्येक कक्षा में होते रहता है, तब शिक्षक बच्चों के साथ साथ ज्ञान का सृजन करते हैं, उनके लिए भी वह जो अर्जित सृजित ज्ञान है वह उनके लिए भी नया होता है। तो इसलिए हम अगर शिक्षकों की भूमिका की बात करें तो सबसे पहले शिक्षक ज्ञान के सह निर्माता होते हैं। अब ज्ञान का सृजन जब होगा, नई विधियाँ, नई नई पद्धतियाँ आई हैं जिस पर जोर दिया जाता है, तो उसमें शिक्षकों की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब व्याख्यान पद्धति पर ज़्यादा बल नहीं है, अब बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि उनमें चिंतन की शक्ति का विकास हो, सोचने समझने की शक्ति का विकास हो, अपने इर्द गिर्द की, अपने परिवेश की समस्याओं को समझें एवं उनका समाधान स्वयं निकालने की चेष्टा करें। तो ऐसे में शिक्षक जो होते हैं वे विद्यालयी कक्षागत प्रक्रियाओं से संबंधित समस्त क्रियाकलापों के व्यवस्थापक होते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, वो योजना बनाते हैं कि किस प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आरंभ की जाए, चलाई जाए, जिसमें बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन कर सकें। निश्चित रूप से शिक्षक भी सृजन कर रहे होते हैं, परंतु वे आगे नहीं होते, वे बच्चों को आगे करते हैं सोचने और उन क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के लिए। तो शिक्षक उन क्रियाकलापों के व्यवस्थापक होते हैं, प्रबंधक होते हैं शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्त क्रियाकलाप के लिए। इसके अतिरिक्त शिक्षक कोई डिक्टेटर नहीं होता, बल्कि शिक्षक बच्चों के लिए एक परामर्शदाता की भूमिका में होना चाहिए। परामर्शदाता की बात जब हम करते हैं तो बच्चों को किन किन चीज़ों में परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे जब बड़े होते हैं, वो 9वीं 10वीं में जाते हैं, तो उनके पास में 11th 12th में कौन सा विषय लें उनको चुनने की समस्या आती है। उनके सामने स्थितियां स्पष्ट नहीं होती, भविष्य में क्या बेहतर होगा उसमें वो बहुत अधिक ठोस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो ऐसे में अध्यापकों का प्रमुख दायित्व है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि वे विद्यार्थियों को भावी अध्ययन क्षेत्र संबंधी परामर्श दे सकें। इतना ही नहीं, आप सबको पता है कि जब हम सब किशोरावस्था से गुजरते हैं तो बहुत से शारीरिक एवं संवेगात्मक बदलाव से हमें गुजरना पड़ता है, भावनात्मक बदलाव काफ़ी आते हैं और ऐसे में बच्चों के व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन होते हैं। उन्हें समायोजन की समस्या होती है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में भी प्रॉब्लम होती है, अपने सहपाठियों के साथ भी समायोजन की समस्या होती है, अध्यापकों के साथ भी समायोजन की समस्या होती है, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कई तरह की मानसिक समस्याएं,
कई उलझन उत्पन्न होते हैं जिसका समाधान उनके पास में नहीं होता, और कई बार हम देखते हैं कि बड़े विचलित हो जाते हैं, असंतुलित व्यवहार करते हैं। तो ऐसे में शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वे पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो परामर्श देते हैं वो तो दें ही, बच्चों के व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को भी जानने की चेष्टा करें, व्यक्तिगत संबंध, विश्वास का संबंध स्थापित करें कि बच्चे खुल करके अपनी समस्याओं को शिक्षक को बताएं और वे शिक्षक उनका निराकरण करने हेतु उन्हें परामर्श दें। तो ये सारी बातें शिक्षक की भूमिका को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है। नवीन ज्ञान के सृजन हेतु शिक्षक को सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को शोधार्थी भी बनना पड़ेगा, कहाँ कहाँ देश के विदेश के किस किस कोने में अपने विषय से संबंधित कुछ नई बातें हो रही है, कुछ नया ज्ञान विकसित हो रहा है, शिक्षण प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव अलग अलग क्षेत्रों में आ रहे हैं और उनके परिणाम अच्छे अगर हो रहे हैं तो उन्हें हम कैसे अपनाएं, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने के लिए उन्हें शोधार्थी की भूमिका यानी कि जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ आजकल जबकि पंचायती राज की व्यवस्था हुई और विद्यालय में समुदाय की भूमिका भी सुनिश्चित की गई है, समुदाय का हस्तक्षेप भी बढ़ा है, विलेज एजुकेशन काउंसिल या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वगैरह के माध्यम से समुदाय के लोगों की भूमिका भी कुछ कुछ सुनिश्चित की गई है, तो ऐसे में शिक्षक विद्यालय एवं समुदाय के मध्य सेतु की भूमिका निभाए तो बहुत अच्छा होगा। वह विद्यालय के तमाम शिक्षकों छात्रों की समस्याओं को जानता है और समुदाय की आकांक्षा क्या है, अभिभावकों की आकांक्षा क्या है, वे क्या चाहते हैं कि विद्यालय किस प्रकार कार्य करे एवं बच्चों की प्रगति के स्तर को, बच्चों की प्रगति की स्थिति को, बच्चे किस प्रकार पढ़ लिख रहे हैं उसको अभिभावकों को समय समय पर बताए, तो इन सब के लिए शिक्षक की भूमिका एक ब्रिज की होती है, पुल की होती है जो कि विद्यालय और समुदाय के मध्य वो स्थापित करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि समाज में जितने भी परिवर्तन होते हैं, हम जानते हैं पहले का जो हमारा प्रिमिटिव समाज था और आज के डिजिटल सोसाइटी की हम बात करें तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। शिक्षण की पद्धतियों से लेकर जीवन जीने की शैली में परिवर्तन आया है, मनुष्य की आकांक्षाओं में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत सारे रोजगार के अवसर एवं मूल्यों में, मानव जीवन के मूल्यों में भी काफ़ी बदलाव आया है। तो ऐसे में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है कि वे सामाजिक परिवर्तन के एजेंट, प्रतिनिधि के तौर पर, अभिकर्ता के तौर पर कार्य करें। सामाजिक परिवर्तन से जो मूल्यों में बदलाव आते हैं, सोच विचार में बदलाव आते हैं, नए नए विचारधाराओं का प्रादुर्भाव होता है, उन सब के अनुरूप जो भावी पीढ़ी है उनके मन में उन भावनाओं को, उन आकांक्षाओं को स्वस्थ एवं समुचित प्रकार से विकसित करने की भूमिका शिक्षक की होती है। सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप भावी पीढ़ी को शिक्षित प्रशिक्षित करने का दायित्व शिक्षक का होता है। शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार लाने का दायित्व भी शिक्षक का होता है। शिक्षक की भूमिका यह भी होती है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित, जो समाज चाहता है, जो सरकारें चाहती है, जो हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जो हमारा तंत्र है वह चाहता है, तो उसमें शिक्षक बदलाव लाए। साथ ही मित्रों, आपको पता है कि जो हमारा समाज है, खास करके अभी भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण आबादी है, जहां कृषक वर्ग काफ़ी हैं और शिक्षा बहुत अधिक, उच्च शिक्षा खास करके बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाई है, वहां अभी भी शिक्षक के प्रति बहुत ही सम्मानजनक नजरिया रहता है, उनके सूझबूझ पर स्थानीय लोगों को काफ़ी भरोसा रहता है, कई छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं जिसके समाधान के लिए वो शिक्षक की ओर देखते हैं कि शिक्षक उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए बढ़िया सुझाव देंगे, कोई नई बात उनको सुझाएंगे ताकि उनकी समस्या हल हो पाए। तो ऐसे में शिक्षक का यह कर्तव्य है, शिक्षक की यह भूमिका होनी चाहिए कि वो सिर्फ कक्षा में ही नेतृत्व ना प्रदान करे, विद्यालय में ही नेतृत्व ना प्रदान करे, बल्कि समुदाय को भी, जिस स्थानीय समुदाय के साथ वह नित अंतःक्रिया करता है, इंटरैक्शन उसका होता है, उसे भी यदि अपेक्षित हो तो नेतृत्व प्रदान करे।
यह भी भूमिका शिक्षकों की होती है। इसके साथ साथ जितनी भी शैक्षिक योजनाएं हमने देखी है, चाहे वो DPEP हो या सर्वशिक्षा अभियान हो, शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की बात हो, आजकल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो, इन सब योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भी शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक यह अवश्य करे कि वह बालक के जीवन को आदर्शमय का मतलब बिल्कुल साधु संतों वाला आदर्श नहीं, बल्कि समाज का जो आदर्श है, समाज अपने बच्चों से जिस भावी नागरिक बनने की अपेक्षा करता है, जो सफलतम व्यक्ति बनने की अपेक्षा करता है, तो वह बनाने के लिए सुंदर वातावरण का निर्माण करे, सिंपैथेटिक हो बच्चों के प्रति शिक्षक और सहानुभूतिपूर्वक उसकी सहायता करे और उचित दिशा में मार्गदर्शन करे, यह भी शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के विकास की समुचित व्यवस्था करे, यह भी शिक्षक की भूमिका है। और कक्षा में सीखने की बात करते हैं तो किस चीज़ को सीखना, क्या सीखना, सीखने का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। निरर्थक सीखना हमें किसी भी दिशा में नहीं ले जाता, हम अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह होते हैं। तो सीखना उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया भी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। प्रक्रिया ऐसी हो कि शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति समुचित रूप में हो सके। तो शिक्षक की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया पर जोर दे। बच्चों को सिर्फ रटंत विद्या, जो कि पूर्व में स्थापित मान्यता थी, स्थापित व्यवस्था थी, उसके प्रतिकूल, बच्चों को खुद करके सीखने के लिए प्रेरित करें। हम जब स्वयं किसी चीज़ के अनुभव से सीखते हैं तो वह ज्ञान हमारा स्थायी होता है। इसलिए बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग मोड में, क्रिया करके, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, अनुभव के द्वारा सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, यह भी शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। बच्चों में एकीकरण की भावना का विकास हो, अलग थलग हम नहीं हैं, हम एक कक्षा में हैं या हम एक समूह में हैं तो एक समूह की भावना का विकास हो। इसके साथ साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य जो अपेक्षित होते हैं कि हमारे बच्चे सीखें, विकसित करें, उन्हें संरक्षित रखें और आगे जाकर के अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करें, तो इस दिशा में भी शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने हेतु प्रयत्न करें। सर्वशिक्षा अभियान में खास करके मित्रों, जब विद्यालय तंत्र में जो परिकल्पना की गई कि किस किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, तो शिक्षकों की भूमिका पथ प्रदर्शक की होनी चाहिए, मार्गदर्शक की होनी चाहिए। ऐसी भूमिका शिक्षक की हो, इस पर बल दिया गया है। उन्हें विद्यालयी व्यवस्था में जो परिवर्तन आए हैं और जो परिवर्तन अपेक्षित हैं, उन परिवर्तनों के निर्माणकर्ता के रूप में, विद्यालयी तंत्र में सुधार के ध्वज वाहक के रूप में स्थान दिया गया है। अगर हम कुछ रेखांकित करें शिक्षकों की भूमिका को, जो कि सर्व शिक्षा अभियान में चिन्हित किया गया है, तो हम पाते हैं कि शिक्षक की भूमिका ऐसी हो कि वो विद्यार्थियों को सतत निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करें, सहायता प्रदान करें, असमानता को दूर करें, जो कक्षा में भी कई बार समाज से आती हुई जो भावनाएं होती हैं, भेदभाव या असमानता, कई बार विद्यार्थी, कई बार शिक्षक जाने अनजाने में गाहे बेगाहे उत्पन्न कर देते हैं, ऐसी असमानता को दूर करें, समावेशी कक्षा वातावरण का निर्माण करें जिसमें कि कोई भेदभाव ना हो। अगर कोई बालक स्वस्थ है, सामान्य है, और वहीं कोई दूसरा बालक जो किसी प्रकार से प्रकृति ने या किसी अन्य कारण से वह कुछ चीज़ों से, कुछ क्षमताओं से वंचित है, तो ऐसा ना हो कि वो बच्चा उपेक्षित महसूस करे। वो सभी बच्चे एक साथ कक्षा में बैठ करके एक वातावरण में, एक समान वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें, तो ऐसी समावेशी कक्षा का निर्माण शिक्षक करे, यह भूमिका उसकी होनी चाहिए। और जो विशिष्ट क्षमताओं वाले बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चों से इतर
ऐसा हम नहीं कह सकते कि उनमें सदैव वो किसी न किसी चीज़ से वंचित हैं। निश्चित रूप से वो वंचित कई बार हो जाते हैं, परंतु उनमें कई बार कुछ क्षमताएं ऐसी होती है जो अन्य सामान्य बच्चों में भी नहीं होती है। तो हम यह देखें कि वो किसी भी रूप में जो मुख्य धारा में बच्चे हैं उनसे वो अलग थलग ना पड़े। तो विशिष्ट क्षमताओं वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समायोजित करने हेतु समुचित उपाय करें शिक्षक, यह भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका यह भी है कि वो समावेशी कक्षा का निर्माण करें। जो विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे हैं जिनमें कई बार सामान्य बच्चों की तुलना में कुछ क्षमताएं कम होती है परंतु कुछ क्षमताएं उनमें विशिष्ट भी होती हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ कक्षा में समायोजित करने हेतु समुचित उपाय करें। यहाँ पर शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई बार अनायास ही ऐसे बच्चे जो होते हैं वो दूसरों की उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। तो शिक्षकों को इसमें एक सजग सतर्क भूमिका निभाने की आवश्यकता है कि उन बच्चों के साथ कई बार जो अति व्यवहार हो जाते हैं, उपेक्षा संबंधित व्यवहार हो जाते हैं, ये ना होने पाए। शिक्षकों को यह भी उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उनके हेतु जो निर्धारित आचार संहिता बनाए गए हैं वो उनका पालन करें। एक जो बात हमने पहले भी कही है कि जैसा समाज होता है वैसा ही विद्यालय होता है, विद्यालय समाज का ही एक लघु रूप होता है। तो समाज में जो अच्छाइयाँ होती हैं वे भी विद्यालय में परिलक्षित होती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं, परंतु समाज की कुछ बुराइयाँ भी आ जाती हैं विद्यालय में, हम सब जानते हैं। इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है, समाज शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना भर समझने की आवश्यकता है कि समाज का भेदभाव विद्यालय में प्रतिबिंबित ना हो। कई बार देखा जाता है कि विद्यालय में समाज में जो भेदभाव होते हैं अलग अलग वर्गों के बीच में, वो भेदभाव विद्यालय में भी कक्षा में भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए कि वो विद्यालय के वातावरण को, कक्षा के वातावरण को भेदभाव से मुक्त बनाए। इसके लिए जो भी प्रयत्न उन्हें करना हो, सायास प्रयत्न, वो करें। यह जो 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTE अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना और लागू किया गया, उसमें कई ऐसे मानदंड उल्लिखित हैं जो शिक्षकों की भूमिका को निर्धारित करते हैं, रेखांकित करते हैं। और शिक्षकों की यह भूमिका है, शिक्षकों का यह दायित्व है कि उनके अनुपालन हेतु प्रयत्न करें, और उनका सही सही अनुपालन हो रहा है RTE एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं, इसकी सख्त निगरानी भी करें और इन तमाम उपक्रमों को सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रभावी शैक्षिक उपकरणों का निर्माण करें, एजुकेशनल टूल्स का निर्माण करें, ताकि कक्षा में जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावी हो सके, और उन टूल्स का, उपकरणों का निर्माण करें, विकास करें। और विद्यालय की जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो विकास योजनाएं हैं, उनका समुचित प्रबंधन करें। तो शिक्षकों की भूमिका शिक्षा के तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह पूरा विश्वास है हम सबको, हम सभी इस विश्वास के साथ यह बात कह सकते हैं कि अगर शिक्षक अपनी भूमिकाओं का निर्वहन समुचित रूप से करें तो हम शिक्षा के उद्देश्यों को सफलतम तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।